केमिस्ट्री को पसंद किया, और फिर से जय उम्मीदी में. तो मैं मुझे जानना है कि बैक टू बैक हम आपको आगे भी देख सकते हैं क्या फिल्म्स करते हुए साथ में, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन. आगे मतलब अगर होगा तो जरूर मैं काम साथ में करेंगे हम, पर अभी तक नहीं पता. पिक्चर चलवा दो तो सीक्वल बना लेंगे, आइडिया है मेरे. हेलो, सरिता सिंह फ्रॉम फीफा फूस. सबसे पहले तो मैं मेकर्स को बधाई देना चाहूंगी कि फिल्मों में जो एंटरटेनमेंट का एक बस्टर होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, उसको मेन प्लॉट बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत यूनिक है. मम्मियों को कहानी का मुख्य हिस्सा बनाए, मम्मियाँ हमेशा साइड रोल प्ले करती हैं, तो मुझे लगता है मज़ा आएगा फिल्म देखने में, इंतज़ार है मुझे. इसके अलावा एक लाइन यहाँ पर डिस्कस हुई कि मम्मियों से ही ज़िंदगी में यू नो ड्रामा होता है, और मम्मियाँ ही घर में यू नो परेशानियाँ लाती हैं. और मैं ये अपने घर में, अड़ोस पड़ोस के घर में देख चुकी हूँ कि अगर मम्मियाँ ना हो तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए ही ना जिनको वो सुलझाती हैं. तो इस बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपने गलत समझ लिया है. ये एक महिला पूछ रही है. मेरा सवाल देखो, घर में कुछ भी अच्छा होता है वो माँ की वजह से होता है. कोई बहुत बड़ी विपदा आती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन भी माँ ही लाती है. बट माँ का दिल थोड़ा कोमल और थोड़ा चंचल होता है, तो कभी कभी माँ को अगर कोई चीज अच्छी ना लगे तो आपको, आपने देख ही लिया क्या होता है. तो ऐसा कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे सब माँ को पसंद करते हैं. वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स भी माँ ही क्रिएट करती है. जैसे मेरी, नहीं मेरी, मेरी फिल्म में माँ ने, हाँ मेरी, मैं ये नहीं बोल सकता मेरी मम्मी मारेंगी मुझे. अंकुर, योर सेंटर. अंकुर, मेरा सवाल आपसे ये था कि इधर, यू राइट. मेरा सवाल ये था कि ट्रेलर तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बट आपका जो एक्सपीरियंस रहा टी सीरीज के साथ और लव फिल्म्स के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था उसमें? एक्चुअली टी सीरीज के साथ एक्सपीरियंस तो आप इसी बात से जान सकते हो कि हमारी सारी पिक्चरें जो रही हैं वो टी सीरीज के साथ ही बन रही हैं. हमारा पहला सोलो प्रोडक्शन सोनू के डी2 की स्वीटी टी सीरीज के साथ था, दे दे प्यार दे, ये इसके आगे मलंग. सो हमारा मोरल इस पूरा लाइनअप हम साथ ही कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो भूषण जी के साथ बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट मतलब टी सीरीज फॉर अस इज लाइक फैमिली, चाहे वो विनोद हो, शिव हो, मतलब एवरी वन इज वेरी कम्फर्टेबल वर्किंग विद ऑल ऑफ देम. बाकी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये है, मैं क्रिएटिव से दूर रहता हूँ, मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान देता हूँ, बाकी बाकी क्रिएटिव मेरा दोस्त देख लेता है. पैसे के बगैर स्मूथली पिक्चर बन ही नहीं सकती, एंड आई मस्ट से हियर दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शंस आई हैव वर्कड विद, ट्रूली आई ऑलवेज से दैट. ये क्वेश्चन घूम घूम के रहा लो, मैं मम्मी से शिकायत करूंगा तुम्हारी, पूछो. सोनाली से मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सिंस यू आर अ मामाज गर्ल, सो हाउ मच हैज इट हेल्प यू इन योर कैरेक्टर? मतलब जो पूनम जी के साथ जो आपकी केमिस्ट्री है, हाउ मच दैट हैज हेल्प्ड यू, मतलब जब आपका कैरेक्टर हुआ? आई लाइक दैट टर्म, मामाज गर्ल. ओके मम्मा, आई एम मामाज गर्ल नाउ, यू नो इट. एक्चुअली अ लॉट, इन फैक्ट आई एम कम्प्लीटली मामाज गर्ल, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स मदर्स. The one thing was that the film is called Jai Mummy Di, तो obviously मम्मी है फिल्म में. मैंने नवजोत से सिर्फ ये पूछा था, स्क्रिप्ट में मम्मी था और ये भी अपनी माँ को मम्मी बुलाता है और मैं भी मम्मी बुलाती थी. आई सेड आई वुड लाइक टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम माई ओन लाइफ, विच इज़ मैं मम्मा बुलाऊँगी. सो आई कॉल पूनम जी मम्मा इन द फिल्म, दैट इज़ समथिंग दैट आई डू इन रियल लाइफ, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी डेली थिंग बिकॉज वी फ्रॉम द नॉर्थ. सो वो मैंने रियल लाइफ से लिया. बाकी तो सब इजी था, बिकॉज मैं अपनी मम्मा की सारी बातें सुनती हूँ. फिल्म में भी मैंने आपकी सारी बातें सुनी है. सो आई वाज अ गुड गर्ल, जस्ट सामने सामने से सब कुछ सुना है, पीछे क्या चल रहा है वो तो आपको पता चलेगा. लिया ना जी. रवि सर, आखिरी सवाल. हाई लव, दिस इज रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज. सर, आपने एक आध साल पहले अनाउंस की थी फिल्म रणवीर कपूर और अजय देवगन के साथ, और बाद में खबर आई थी कि दीपिका भी ज्वाइन करने वाली. उस फिल्म के फ्रंट पे क्या हो रहा है, क्या वो शेल्फ हो गई या पोस्टपोन कर दी गई है, कुछ बता सकते हैं अगर आप? सर देखिए, मैं बताऊंगा सिर्फ इतना कि शेल्फ नहीं हुई है, क्योंकि उस पर काम चल रहा है, बनेगी, और उसके बारे में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट मैं करूँगा. आज जय मम्मी दी की बात करते हैं, उसकी जिस दिन बात करूँगा, अनाउंसमेंट हो चुकी होगी, उसके बाद फिर उसकी बात करूँगा. पूनम जी, दिस इज हीना कुमावत. मैं जानना चाहूंगी कि फिल्म की जो मम्मी है, असली जिंदगी में भी आप तो उसमें से कितनी चीजें सिमिलर हैं फिल्म की मम्मी में, और रियल लाइफ के बेटे को संभालना ज्यादा आसान है, अनमोल को या इनको? ओह माय गॉड, दैट्स अ डाइसी क्वेश्चन. देखिए, एज एनी मम्मी विल टेल यू, जितने भी आपके बच्चे अच्छे हों, यू मे से दे आर द बेस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, तंग तो फिर भी करते हैं, राइट? एंड देयर इज ऑलवेज दिस बैलेंस कि आप एज योर मदर अपनी अथॉरिटी, आई मीन डू यू वॉन्ट टू शो योर अथॉरिटी और यू वॉन्ट टू लेट द इंडिविजुअलिटी कम आउट? सो यू नो यू हैव टू बैलेंस द टू.
समवे यू हैव टू रियलाइज कि अब ये भी बड़ा हो रहा है, इसकी खुद की ख्वाहिश है, एंड एट हिज एज ही इज अलाउड टू हैव हिज ओन डिसीजंस. सो समवे दैट सीसॉ ऑलवेज कंटिन्यूज दैट आई फील आई एम राइट एंड आई कांट लेट देम मेक मिस्टेक्स, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ राइट टू चॉइस. सो ये एक दुविधा हमेशा चलती है विच आई थिंक ऑल मदर्स मस्ट बी फेसिंग. You've been a mainstream female lead in the 70s and the 80s, and you've had a very glorious career as an actor. But female actors, after a bit, they have a very short shelf life. You know, we're seeing you also in a film like this after a very long time. What do you have to say about female actors' shelf life now? Well, I think things have changed. Well, I actually, so to say, I started my career at 16, and by 26, I was almost, when the moment I got married, I thought I was like now quitting films. I did continue doing films, but today I'm seeing the heroines come into the industry at maybe 26, they work till 40 plus, and that taboo, okay, ek married lady kaam nahi kar sakti, ek married heroine nahi kar sakti, fortunately has gone out of the window. Because they keep themselves fit, they look gorgeous, glamorous. Just because she's married, it doesn't matter. I mean, in Hollywood, we say women get married five times and they're still the heroines. Yahan to hamari bechari heroine ek shaadi kare to isko out kar dete hain. And second thing I would say that I've been saying no to a lot of films because somewhere I couldn't get myself to do ek side pe khadi maa bol rahi nahi beta aisa nahi kar sakte. I just couldn't get myself to do that. So I was very happy to receive a juicy role of a mother. And not only mother, I think a woman of substance of any age, any kind of positioning, I'd be very happy to do, but I would like good roles. So that's why I must thank Love and Navjot both for thinking of me for this role. And I hope after this people, of course, isme sweet and meethi nahi hoon, thodi si teekhi churi bhi hoon, but it's good fun doing a character which has so many dimensions. Thank you so much, ladies and gentlemen. Jai Mammi Di ke liye zordar taaliyan ho jaye. And now, would like to invite on stage two very important people. Sabse pehle, President, Marketing, Media and Publishing, Mr. Vinod Bhanushali from T-Series, ladies and gentlemen. Of course, Mr. Shiv Chanana, Senior VP Films. He was supposed to be here. Unfortunately, he could not make it to this place abhi. To unke liye bhi zordar taaliyan ho jaye. And ek baar is puri dream team ke liye zordar taaliyan. Come on, ladies and gentlemen. 17 Jan is when we'll go and watch this movie, Jai Mammi Di. Yeah, thank you. Woohoo! जिया, मलिका, वसुंधरा, दीपक, शिवानी, संदीप जी, बाकी जो कास्ट एंड क्रू यहां पर है, प्लीज कम ऑन स्टेज. हाँ, या और कौन कौन है यहाँ पे, प्लीज कम.
गौरव गिन्नी, हाँ कहाँ हैं बाकी लोग, गौरव गिन्नी, जिया मलिका,